हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का ये जो वीडियो है भाई, ये मतलब बहुत ज़्यादा मेरे लिए डिप्रेसिंग है और मुझे बहुत दुख हो रहा है भाई ये वीडियो बनाने में, है ना। मतलब ऐसा मुझे कंटेंट चाहिए नहीं था, बट अगेन यार अब मिल गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। और मतलब बहुत ज़्यादा यार दुख होता है, जैसे आप अपनी कार पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, बहुत ज़्यादा प्यार करो, और उसके बाद भाई इसके साथ में अगर कुछ घटना होती है तो बहुत ज़्यादा भाई दुख होता है। अभी आपको गाड़ी इंटैक्ट दिख रही होगी, बट अपनी जो ईयोन है भाई, इसका एक्सीडेंट हो चुका है ना। और आज ही की ये बात है, कैसे क्या हुआ वो सब मैं बताऊँगा। मेरे पापा कार लेकर के गए थे और भाई वहीं पर जो है वो सीन हुआ है, तो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो सब मैं आपको बताऊँगा। और भाई डैमेज जो है वो गाड़ी में कितना आया। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ये है कि भाई जो इसकी बिल्ड क्वालिटी रही वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस सिर्फ सामने आई है, दिल खुश हो गया है ना। तो सबसे पहले मैं आपको पीछे डैमेज दिखाता हूँ भाई। और अगर आप देखो तो नंबर प्लेट वगैरह कुछ भी नहीं रह गई गाड़ी की, है ना। जैसे अगर आप देखोगे तो भाई नंबर प्लेट पूरी निकल चुकी है। इसके अलावा जो बुलगार्ड है ये पूरा अंदर घुस गया है ना। तो एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि जब कॉलिजन जोर से होता है तो भाई बुलगार्ड किसी काम का नहीं होता, वो उल्टा आपका बम्पर और ख़राब ही करता है। जैसे इसने यहाँ पे क्रैक क्रूक मार दिया पूरा, है ना। और ये देखो पेंट वगैरह पूरा निकल चुका है। और अगर इधर से भी आप देखोगे तो भाई जो पूरा अपना बम्पर है वो क्रैक हो चुका है, मतलब पेंट इधर का बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और मड फ्लैप वगैरह पूरे नाश हो चुके हैं ना। और जो बम्पर है भाई वो बुरी तरीके से अंदर घुस चुका है, अगर मैं एक बार आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो। और उसके अलावा जो गाड़ी है भाई उसमें आगे से भी इम्पैक्ट हुआ है। तो आगे से क्या हुआ, आगे से देख सकते हो आप बम्पर पूरा निकल चुका है। और उसके अलावा इधर का अगर आप पेंट देखो वो निकल गया। और ये है ना भाई, बहुत ज़्यादा मतलब इतना उदासी वाली चीज़ हो गई, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी लेके जाता हूँ भाई, जब भी इसको ले करके जाता हूँ तो मोस्टली सेफ ही रहती है, मुझसे आज तक कभी नहीं लगी। बट हाँ ऐसा रहा है कि जैसे अगर कभी पापा निकलते तो उनसे कई कई बार में जो है कभी कभार छूती है। अच्छा होता क्या है भाई कि जब आप अपनी कार को बहुत ज़्यादा मेंटेन करो ना, तो कुछ ना कुछ यार ऐसा हो ही जाता है कि आपको दुख हो, है ना। मतलब अच्छा तो नहीं होता, मोस्टली कुछ ना कुछ ऐसा ही होता रहता है भाई। अब हुआ क्या, कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो हुआ एक्चुअली ये कि मेरे पापा जो भाई मेडिकल के पास में इस कार को ड्राइव कर रहे थे, यौन को अपने, और सामने ट्रैफिक था। तो हो सकता है पापा का ध्यान इधर उधर गया हो, तो उनने ध्यान ना दिया हो, उनने जो है क्या किया कि थोड़ा सडन ब्रेक्स लिए। तो उसकी वजह से जो पीछे कार थी, मतलब आगे वाली कार ने सडन ब्रेक लिए, फिर पापा ने लिए, और जो पीछे कार आ रही थी भाई वो उसे मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाए। उनकी भाई ऑल्टो थी पुरानी वाली, तो उनने कंट्रोल नहीं किया और उनने जो भाई सीधे लाके इसमें मार दिया। अगर आप देखो तो उनने क्या करा भाई, बहुत स्पीड में, उनकी स्पीड अराउंड 50 to 60 रही होगी, और उनने जो है यहाँ पे आके पूरी मारी है गाड़ी। और मतलब 60-70 की स्पीड में भी जब कॉलिजन हुआ है भाई, तो उनकी मम्मी जो मेरी बता रही है, वो गई हुई थी पापा के साथ में, मम्मी और पापा गए। तो मैं इस वजह से नहीं गया था भाई, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं घर पे पढ़ रहा था। अगर मैं जाता, मैं ड्राइव करता, तो शायद मतलब इसीलिए मैं नहीं जा पाया और मैं इसीलिए ड्राइव नहीं कर रहा था कार। तो भाई मतलब मम्मी जो बता रही हैं कि उनकी स्पीड 60-70 की रही होगी, और उसके बाद मतलब मम्मी बता रही जब कॉलिजन हुआ है तो अंदर ये लगा कि ये जो है पूरा ये ख़त्म हो गया होगा भाई, विंडशील्ड भी क्रैक में गई होगी, खैर वो तो अंदर से दिखता है, बट उन्हें लगा था कि भाई जो पूरी गाड़ी की डिग्गी है, टेलगेट है, वो पूरा ख़त्म हो गया होगा, बम्पर वगैरह ख़त्म हो गया होगा, ये चीज़ मम्मी पापा बता रहे हैं। बट जब भाई उतर के देखा तो डैमेज सिर्फ इतना था, है ना। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ क्रैक वगैरह आ गए हैं अच्छे खासे, और अगर आप देखो तो भाई यहाँ पे पूरा मतलब बम्पर तो आप मानो कि ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, और यहाँ डिग्गी में भी थोड़ा सा डेंट है। बट उनकी जो ऑल्टो थी भाई वो टोटल लॉस, फ्रंट से मतलब उनका कूलेंट भी बह गया था। मेरे पास पिक्चर्स होंगी तो मैं आपके पास ज़रूर शेयर करूँगा। तो ऐसा कुछ रहा भाई, मतलब उनकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा तगड़ा डैमेज आ गया था। वहीं पे जो अपनी कार थी भाई, ये इसमें बस इतने डैमेज आए हैं। और जब पीछे से कॉलिजन हुआ तो भाई अपनी मतलब इतनी स्पीड में आप समझ लो कॉलिजन हुआ था कि अपनी जो गाड़ी है भाई वो आगे गई और दूसरी गाड़ी में लड़ गई, है ना। तो अगर आप देखो तो ये पूरा भाई इधर से बम्पर वगैरह अपना लगभग ऑलमोस्ट आगे वाला तो ख़त्म है, बम्पर दूसरा ही लगेगा। और ये देखो फॉग लैंप वगैरह सब इसके नाश हो चुके हैं। तो कुछ ये भाई जो है अपना इंसिडेंट हुआ है। और बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो भाई हमेशा से मैं कहता आया हूँ कि जो एंट्री लेवल सेगमेंट है इसमें भाई इससे अच्छी बिल्ड क्वालिटी और किसी गाड़ी की हो ही नहीं सकती, है ना। तो वो चीज़ है भाई। और अब मुझे भाई दुख काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कि ऐसा हुआ है, बट वही है कि जो हुआ है वो तो हुआ ही है, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो यही चीज़ है भाई। और अब जो है गाड़ी को रिपेयर करवाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता था कि कभी ऐसी वीडियो बनानी पड़े, बट बनानी पड़ रही है, तो भाई बनाना ही है, क्या करें। तो यही है भाई,
और अगर आप देखो तो मतलब बम्पर इसका आगे वाला ऑलमोस्ट ख़त्म है इसमें, और रियर वाला भी भाई पेंट करवाने का कोई सेंस बनता नहीं, तो ये भी चेंज ही करवा देंगे, है ना। तो इतना ही था भाई इस वाली वीडियो में। मैं आपसे बस यही बोलूँगा कि आप सेफ चलें गाड़ी लेके जब भी चलते हैं, और ध्यान रखें आगे कौन सी गाड़ी कब रुक रही है, ताकि आपको भी ना नुकसान हो और अगले आदमी को भी नुकसान ना हो। तो इतना ही था भाई इस वाली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आई तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड कॉमेंट, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।